रोका विदिशा से खबर है, जहां पे लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पे जिले के सिरोंज में लोकायुक्त की टीम ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया है। शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त में पटवारी विकास जैन के खिलाफ जमीनी विवाद सुलझाने के मामले में रिश्वत मांग करने की शिकायत दर्ज की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा है। मिलाकर आज कार्रवाई करने के लिए सिरोंज आए थे। शिकायत है वो इस तरीके की कि आवेदक हैं राम प्रसाद कुशवाहा, पारधा गांव के रहने वाले हैं। इनके एक संधि है रिश्ते के, उनकी कुछ खेती की जमीन है पारधा गांव में, और उसमें कुछ रकबे में कुछ संशोधन होना है क्योंकि वो गलत चढ़ा हुआ है। इसके लिए वो एक साल से परेशान हो रहा है, ये पटवारी विकास जैन के चक्कर पे चक्कर लगा रहा था। और उसने ये भी बताया कि उसके पैर में चोट है तो वो चलने फिरने बहुत सक्षम नहीं, बार बार इतनी भागा दौड़ी नहीं कर सकता है। तो इसके जो रिश्ते के संधि है राम प्रसाद कुशवाहा, उनसे इसने कहा था मथुरा ने कि मेरे जमीन का रकबे में सुधार करवा दो पटवारी से मिलके। पटवारी से जब राम प्रसाद मिलने गए तो उन्होंने सीधे 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की कि ये काम तब भी होगा जब 10,000 रुपये आप देंगे।